हेलो एवरीवन फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज द हल हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट पहला इंडियन रूलर कौन था जिसने हज पिलग्रिमेज को ऑर्गेनाइज किया था आ, सरकार के खर्चे पे या स्टेट के खर्चे पे अकबर <coughs> तो अकबर के लिए आपको याद रखना है कि ही वॉज वेरी सेक्युलर काइंड ऑफ रूलर मुगल रूलर जो सब धर्म का सम्मान करता था और उसने दीवानी दिले दीवानी इस तरह से कुछ बनाया था जहाँ पे सारे धर्म के लोग को रेस्पेक्ट और सम्मान देता था और डिस्कशंस वगैरह करते थे तो ऑब्वियसली वही करेंगे वो सो अकबर फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट कौन है अकबर मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम मंगोलिया अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को बोरो किया था कहाँ से मंगोलिया से अकबर uh, का जो मनसबदारी सिस्टम था वो कहाँ से बोरो हुआ था मंगोलिया से वुमन हु रोट हिस्टोरिकल डिटेल्स ड्यूरिंग द मुग़ल कौन सी महिला थी कौन सी वुमेन थी जिसने अकबर के टाइम सॉरी मुग़ल एरा के टाइम में सारे हिस्टोरिकल डिटेल्स को लिखा था गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज़ द हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट इज अकबर मंसरदारी सिस्टम ऑफ अकबर वॉज बॉर्ड फ्राम मंगोलिया वोमेन हु रोट हिस्टोरिकल डिटेल्स ड्यूरिंग द मुग़ल एरा गुलदन बेगम कैपिटल सिटी ऑफ रंजीत सिंह रंजीत सिंह का कैपिटल सिटी रंजीत सिंह ने कैपिटल किसको बनाया था लाहौर को हु वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया सबसे पहले किसने इंडिया के साथ में जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया था डच ने वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया डच बेंगाल रेगुलेशन सेवनटीन थ्री इससे क्या हुआ था अकोमोडेटेड द पर्सनल लॉज ऑफ़ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स सो बंगाल रेगुलेशन 1793 में क्या हुआ ये हिंदूज़ और मुस्लिम के पर्सनल लॉज़ को अकोमोडेट कर लिया था सो बंगाल रेगुलेशन 1793 में पर्सनल लॉज ऑफ़ हिंदूज एंड मुस्लिम्स को अकोमोडेट हुआ था बंगाल रेगुलेशन 1793 में फ़र्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी ट्रीटी पहला इंडियन रूलर कौन था जिसने सब्सिडियरी ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था निज़ाम ऑफ़ हैदराबाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहला इंडियन रूलर था जिसने सब्सिडियरी ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था निज़ाम ऑफ़ हैदराबाद हु सपोर्टेड महात्मा गांधी इन चंपारण स्ट्रगल चंपारण स्ट्रगल में महात्मा गांधी को किसने सपोर्ट किया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण चंपारण स्ट्रगल में किसने गांधी जी को सपोर्ट किया था राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण कैपिटल सिटी ऑफ रंजीत सिंह क्या है लाहौर हु वेर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया डच बंगाल रेगुलेशन 1793 में क्या हुआ था इट अकोमोडेटेड द पर्सनल लॉज ऑफ़ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी ट्रीटी निज़ाम ऑफ हैदराबाद हु सपोर्टेड महात्मा गांधी इन चंपारण स्ट्रगल राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण फॉर्म ऑफ इरोशन विच इज़ द रीज़न फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ खो खादो ऑफ चंबल वैली खो खा दो ऑफ चंबल वैली चंबल वैली में एक चीज़ कंस्ट्रक्शन हो गया खो खादो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है चंबल वैली में क्या कारण है कौन सा फॉर्म ऑफ इरोशन के कारण से ऐसा हो रहा है गली 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 इोशन फॉर्म ऑफ इरोशन विच इज़ द रीज़न फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ खो खा दो ऑफ चंबल वैली गली खा दो खो खा दो खो खा दो खो खा दो मतलब खो खा दो मतलब कादो को खो खा दो तो उसमें क्या हो? गली खाद का खा, उसके खो खा खोद खोद के क्या कर रहा है वो गली बना रहा है फॉर्म ऑफ इरोशन विच इज द रीज़न फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ खोखादो ऑफ चंबल वैली गली इरोशन एंशियंट नेम ऑफ इंडियन ओशन इंडियन ओशन का एंशंट नेम क्या है रत्नाकर हाँ रत्नाकर सर को तो आप जानते हैं है ना आपको मैथ्स पढ़ाते हैं तो रत्नाकर सर का इंडियन मतलब एंशियंट नेम रत्नाकर सर क्या है इंडियन ओशन उसका आप आज से हम क्या बोलेंगे इंडियन ओशन इंडियन ओशन सर एंशियंट नेम ऑफ इंडियन ओशन रत्नाकर फॉर्म ऑफ इरोशन विच इज द रीज़न फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोखादू ऑफ चंबल वैली गली सपोर्टेड महात्मा गांधी इन द चंपारण स्ट्रगल राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी ट्रीटी निज़ाम ऑफ हैदराबाद बंगाल कब आया 1793 में क्या किया ये अकोमोडेटेड द पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हु वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया डच कैपिटल सिटी ऑफ रंजीत सिंह लाहौर वुमन हु रोट हिस्टोरिकल डिटेल्स ड्यूरिंग द मुगल एरा गुलबदन बेगम मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम मंगोलिया फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज द हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट इज अकबर बोलते हैं हम वीडियो में तब तो तक के बाय